हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज अयोध्या से दिल्ली जाने वाले हैं। तो दोस्तों, क्योंकि अचानक मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे क्योंकि अचानक से टिकट मिल नहीं पाई, इसलिए चालू डिब्बे में जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने टिकट भी ले लिया है 190 रुपये का। चले दोस्तों, आज ट्रेन में चलते हैं, बाकी दिक्कत तो बहुत होगी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, ट्रेन भी आ चुकी है, अब चलते हैं अयोध्या से दिल्ली। तो दोस्तों, ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा। खाली पहुंच चुके हैं दिल्ली स्टेशन, और अब चलते हैं ताल कटोरा स्टेडियम, क्योंकि आज आप सबके बीच में कुछ ऐसा वीडियो आने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं ताल कटोरा स्टेडियम। तो आज आप सबको बहुत अच्छा प्रोग्राम है आज सबको दिखाने वाले हैं। और दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली स्टेशन आते हैं तो ज़्यादातर खासकर दूसरे से ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। खासकर जैसे कोई आपको कहता है चलिए इधर चलिए उधर चलिए, किसी ज़्यादा बहकावा मत आइए। यहाँ पे दिल्ली में बहुत चोरियाँ होती है, वैसे नई दिल्ली में इतना नहीं होती, पुरानी दिल्ली में बहुत ज़्यादा होती है। चले चलते हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। ये है काश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, चांदनी चौक से जाना पड़ता है, तो यहाँ से चेंज करना पड़ता है, जाएंगे यहाँ से आईटीओ, जो कि यह है एलो लाइन। गाइस, फाइनली मेट्रो स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, आप लोग देखिए, हम ताल कटोरा स्टेडियम पास आए थे, यहाँ पे काफ़ी कबूतर, जैसे देखिए यहाँ पे लोग पानी वगैरह देते हैं, मतलब दाने वगैरह डालते हैं, जैसे भैया आए भी हैं। इधर भी देखिए लोग पानी वगैरह दही वगैरह। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसे कहाँ जहाँ पर रहते हो, पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए। तो भाई, स्टेडियम तो पहुँच चुके हैं, भाई इतनी भूख लगी थी, काफ़ी देर से दुकानें ढूंढ रहा हूँ, दुकान नहीं मिल रही। एक तो सुबह अभी 8 बज रहे हैं, अब दुकान अभी खुली नहीं, इस चक्कर 2-3 किलोमीटर ढूंढने के बाद वो दिखी हमने दुकानें वगैरह वहाँ जा रहा। तो भाई, फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये देखिए काफ़ी भीड़ है। सब कुछ होता है, फिर भी डिप्रेस रहते हैं, फिर भी ऐसे रहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, ये आदमी लूट लेगा, ये छोड़ देगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और कई कई लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसके कितने लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग कभी सीखना स्टार्ट किया था और अभी भी नहीं कर पा रहे हो। अब कितने लोगों ने बहुत पैसा कमाने की जर्नी को स्टार्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार रुक जाते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ करते हैं, 2 महीने करते हैं, फिर ब्रेक लग जाता है 6 महीने, फिर 2 महीने करते हैं, फिर ब्रेक लग जाता है 5-6 महीने। बताइए क्यों होता है ये, ब्रेक लगता क्यों है? बहुत सारे कोर्सेज आप ज्वाइन करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन 2-3 महीने बाद वापस से लाइफ एवरेज। क्यों? क्योंकि इतने साल आप उस एवरेज ब्रैकेट में, वो इमोशंस आपका घर है। जो एवरेज जिंदगी आप फील कर रहे हैं, वो इमोशन आपका घर है। तो मैं मांसाहारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या एक शाकाहारी पेड़ उखाड़ कर खा जाता है? अगर मुझे सेब खाना है तो क्या मैं सेब के पेड़ को उखाड़ के जड़ से खा जाता हूं? नो, मैं उसका सेब लेता हूं, और जो कि अगर मैंने नहीं भी खाया तो वो पकेगा, नीचे गिर जाएगा, गिरने के बाद वो अपने आप मर जाएगा। बोलते हैं तो ऐसे तो जानवर भी कोई मर जाएगा। अरे भाई, कल सुबह उस पर नया सेव आएगा, जो फूल है। दूसरा, इस तर्क में बहुत लंबा लेख है, मैं सबका नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं मांसाहारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या एक शाकाहारी पेड़ उखाड़ कर खा जाता है, पौधों को तोड़ कर निकल जाता है? एक कुतर की मांस भक्षी बायोलॉजी के बेसिक नियमों से भी अनभिज्ञ होता है। अथवा कोई भी इंसान को अगर कोई बोल दे अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो वो बड़ा मायूस सा हो जाता है, और बार बार फिर दिन भर वो उसी सोच में जीता है, अरे यार मैं आज अच्छा नहीं दिख रहा, अरे मैं अच्छा नहीं दिख रहा, अरे मैं अच्छा नहीं दिख रहा। तो वो एक पैटर्न बन गया, लूप बन गया। आई कैन डू इट, आई कांट डू इट, आई डिजर्व टू बी रिच, आई डिजर्व टू बी अ लेजेंड, आई एम एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन। तो ये जब भी मैं पूछूं आपसे, तो आपको इसी तरह से जवाब देना है पिछले अगले 2 दिन में। पैसा भी कमाना शुरू कर दिया है, कितने पैसे कमाए अभी तक? 6,300।
ऑलराइट, तो रचित ये सभी लोग जो एवरेज लोग आए हैं आपसे सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि आप तो कोच हो, ये लोग आपसे सीखने के लिए आ रहे हैं, इन सभी को क्या सिखाना चाहोगे आप? पब्लिक स्पीकिंग। ऑलराइट, सो एक टिप दे दो इनको पब्लिक स्पीकिंग का, एक ऐसा टिप दे दो जो इनके हमेशा काम आए, कुछ भी एक चीज जो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपको सबसे अच्छी लगती है और इनको सिखाना चाहोगे वो सिखा दो इनको। कोच रचित सोच रहा है क्या बोलूं, मेरे यार ये छोटे लोगों के सामने मैं क्या बोलूं। हाँ रचित सर, मुझे समझ ही नहीं मैं क्या बोलूं। हाँ मैं सोच रहा हूँ। सोच रहे हो, जल्दी सोचो क्योंकि अदरवाइज ना ये लोग सोचेंगे कि रचित के पैसे वापस ले लिए जाए। सर मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हाँ सुनाइए। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसका जन्म होते ही रिश्तेदारों ने कहा कि इसे मार दो, ये जनसंधा बच्चा तुम्हारी क्या मदद करेगा बुढ़ापे में। माँ बाप ने किसी की नहीं सुनी, अपने बच्चे को पाला पोसा और बड़ा किया। जब बच्चा स्कूल जाने लगा तब उसको लास्ट बेंच पे बैठाया जाता था और बच्चे के साथ स्कूल के बच्चे नहीं खेलते थे, पर बच्चे ने हार नहीं मानी और अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रखा और वो पढ़ाई पे अपना फोकस करता गया और उसका नाम था श्रीकांत बोला। श्रीकांत बोला कि जीवन में टर्न जब आया तब वो टेंथ क्लास में साइंस लेना चाहते थे पर बोर्ड एग्जाम में उनको मना कर दिया क्योंकि वो बोले कि तुम तो अंधे हो, तुम कैसे देख पाओगे और कैसे देख पाओगे। पर उसने हार नहीं मानी और ITT बोर्ड एग्जाम देना चाहते थे पर उन लोग ने मना कर दिया, तो वो गए अमेरिकन कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उनने एक बिजनेस खोला जो कि आज लाखों करोड़ कमा रही है। ये अफसोस है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है हेलो IQ डेवलप करो, हेलो एजुकेशन ग्रेड्स लाओ, और हम जिंदगी भर कहते हैं एजुकेशन ग्रेड्स लाओ IQ डेवलप करो। मैं तो इतना कहता हूं पूना के अंदर मैं गया और पूना के अंदर MIDC पूना यानी कि जहां पे बहुत सारी फैक्ट्री है, करीब 20,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज है, उस एरिया में जब मैं गया तो मैं हैरान हो गया जितने भी बिजनेस ओनर्स जो 100 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ कमा रहे थे, वो सारे के सारे कोई 10वीं पास कोई 12वीं पास कोई 8वीं पास कोई डिप्लोमा, उनमें से एक भी ना तो MBA था ना IITM था ना IIM से पढ़ा हुआ था। आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस चाहिए, वो है आपकी पर्सनैलिटी। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत है कि जितना आज शेयर ट्रेडर्स पैसा नहीं कमा रहे उससे ज्यादा शेयर ट्रेडिंग सिखाने वाले कमा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आप अपनी जिंदगी में क्या लाना चाहते हैं, कितने रुपए लाना चाहते हैं, कितने करोड़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कितने पैसे, कितने लोग, कितने क्या आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको ये सब पता है तो यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट एज मच एज यू वांट। तो गाइस साली प्रोग्राम खत्म हो चुका है और अब चलते हैं, मामा का घर है तो आज वहाँ चलते हैं, फिर कल प्रोग्राम फिर है, अभी चलेंगे मामा के घर पे, फिर अब यहाँ से पकड़ेंगे बस